6.5 hours later. किस चीज की रिलेटेड मतलब? 2000 years later. हम मिले थे 2018 में. तू बोल. रिपोर्टर. तू बोल तू बोल. तो हम मिले 2018 में. नहीं नहीं फर्स्ट टाइम ये अपने मम्मी पापा के साथ आई थी तो मैंने देखा मैं कौन छोटी सी लड़की है इतनी छोटी लड़की मेरे दिमाग में तो ये संजना को मैं ये बोलूंगा मैं इससे ज्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं संजना से बट शी वुड बी वेरी लकी सौरभ जैसा उसको हस्बैंड मिला है सच्चा दोस्त है नहीं क्योंकि आई नो हिम वेरी पर्सनली ना कहने के लिए तो सौरभ बहुत शांत है ऐसा ज्यादा बात नहीं करता है बट ऐसे क्वाइट एनवायरनमेंट में स्मॉल ग्रुप में उसकी जब मस्तियां बाहर आती हैं तब पता चलता है नहीं भैया ये मेन्यू ये मेरे जैसा दिखने वाला एक बंदा है इसीलिए समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना बस यही है क्या बोलना है अरे आगे और क्या बोलना है यार इस सारी चीजें तो बता दी और कुछ बचा है क्या सच बोल रहे हैं सच ही बोल रहे हैं अरे यार बहुत पागल है संजू ये बड़ी अच्छी बात कही आप रैंडम टाइम्स पे कभी भी कुछ भी करती है वो भी निकाल देंगे यहां से नहीं नहीं बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी है कट कर देने वाला पोर्शन नहीं पर एक्चुअल में बहुत पागल है पर एट द सेम टाइम बहुत अच्छी भी है बहुत प्यारी है दिवाली पे ही आई थी मिलने तो मेरे दिमाग में बस ऐसी जस्ट थॉट आया ऐसी पूछ के देखते बंदी से ही है पूछ के देखता हूँ एक बार क्या पता ट्राई करके देखते हैं इस तरीके से फिर मतलब थोड़े दिन ऐसे चैटिंग करते करते हैं फिर एक दिन मतलब फिर मैंने बोल ही दिया कि चलो लेट्स डू पत्ता अनारों का पत्ता चनारों का जैसे हवाओं में
ऐसे भटकता हूँ दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में। रुचि तो चीज नहीं, अगर सबसे पहला कोई है तो शायद वो। घर वालों को तो बहुत मिस करूंगी, तो इसको देख के मतलब बहुत शांत था, चुपचाप रहता था, क्लास में बात नहीं करता था, तो मुझे लगता था बहुत एटीट्यूड है लड़के में, पहले से जानता, फिर भी बातें बातें नहीं करता। ऐसा नहीं था। हाँ ऐसा नहीं था क्योंकि ये डरता था शायद बात करने से, थोड़ी हेजिटेशन वो सारी चीज़ें, अभी भी ऐसी ही है। तो जिंदगी भर वैसे ही रहो मन को लगता है इसके लिए। ये ऑपोजिट है मेरे यहाँ, टोटली ऑपोजिट, हम दोनों एकदम ऑपोजिट है। बहुत मैं कम बोलता हूँ, ज्यादा बोल दी, मैं कम ज्यादा बोल रही हूँ, कम बोला भी नहीं ज्यादा, मैं कम गलती है तो ज्यादा गलती है, मैं तो थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ। सजया यार नी मेरा ओ बेड़ा सजया ते उत्तो सजया यार नी मेरा नाम तेरे नाम तेरे दी मेहंदी रचिया। तो संजू से हम फर्स्ट ईयर में मिले थे, हम तीनों सेम ही क्लास में थे, हॉस्टल में भी खूब मस्ती करते थे, डांस में पार्टिसिपेट करना, साथ में खाना, मस्ती, सब चीजें सब साथ में ही रहता था। हाँ, पब्लिक प्लेसेस पे चेयर्स तोड़ना तो इनका बहुत कॉमन था, जहाँ जाते थे कुछ ना कुछ तो टूटता ही था, लैब्स में आके थर्मामीटर या फिर ऑडोमीटर तोड़ना वो भी बहुत कॉमन था। बबल चलिया मैं कुछ ज्यादा रखिया कुछ लैम चलिया बेड़ा सजिया ते उत्तो सजिया यार मेरा। So I knew Saurav since 2010, we were classmates, मैं स्कूलिंग साथ में की है और इंजीनियरिंग भी हमने साथ में की है, दोनों क्लासमेट थे। बट शॉकिंग ये था मेरे लिए कि शादी उसने बहुत मतलब एक सडन होता है ना, मतलब न्यूज़ कि अभी मैं शादी कर रहा हूँ, बोला अरे मतलब क्या हुआ, क्या मतलब शादी कर रहा हूँ, मतलब कि फिर लेकिन उसने ये जो बम फोड़ा है ना, मतलब ये सबके लिए अपने तो बोल रहे हैं कि देखो सौरभ भी शादी कर रहा है तुम भी शादी कर लो, तो ये तो मतलब सोशल प्रेशर आ गया है। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हैव सीन देम एज फ्रेंड्स एंड नाउ दे आर गेटिंग मैरिड टुगेदर फॉर लाइफ, यस अ ग्रेट एक्सपीरियंस। चढ़िया दिन चढ़िया गज बज के